अगर आप टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, 10-15 दिन पहले एक खबर चल रही थी कि हरियाणा में जल्द ही टीचिंग पोस्ट आने वाली है और उस मैसेज में लगभग 7,000 टीचिंग पोस्ट की बात हो रही थी, लेकिन मुझे उस मैसेज की पूरी सच्चाई नहीं मिल पाई और ना ही मेरी कोई जेन्युइन सोर्स से बात हो पाई। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर अगर कोई भी न्यूज डाली जाती है तो पहले उसे कंफर्म किया जाता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी चीज जेन्युइन मिलेगी आपको यहाँ पे। तो साथियों, आपको पता था 10-15 दिन पहले आपके पास भी मैसेज आया होगा कि हरियाणा में जल्द ही 7,000 प्लस न्यू PRT वैकेंसीज आने वाली हैं। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग मैंने राजेश पाल जी से बात की थी। राजेश पाल जी, आप जानते होंगे, JBT स्टेट पास एसोसिएशन है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं JHPA, तो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश पाल जी। करनाल में जो रैली हुई थी उसमें मुख्य रोल में थे राजेश पाल जी। तो साथियों, राजेश पाल जी से जो बात हुई है मैं आपको एक बार बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में PRT वैकेंसीज के रिगार्डिंग हमने 25 दिसंबर 2018 को करनाल में रैली की थी। आपको पता होगा 25 दिसंबर 2018 को उन्होंने करनाल में रैली की थी PRT वैकेंसीज के रिगार्डिंग। आपको पता है कि PRT वैकेंसीज बहुत टाइम से नहीं आ रही है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस के टाइम की जो वैकेंसीज थी वही अभी फुलफिल हुई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात खट्टर जी से हुई और उन्होंने जल्द ही जनवरी या फरवरी में वैकेंसीज निकालने की बात कही। तो जो राजेश पाल जी ने धरना दिया था, रैली निकाली थी, तो इसके बाद उनकी मुलाकात खट्टर साहब से हुई थी और खट्टर साहब जी ने जो कहा है कि जनवरी या फरवरी के अंदर वो वैकेंसीज निकालने वाले हैं। मतलब जो उनकी मांगे थी, राजेश पाल जी और उनके साथी थे, जो उनकी मांग थी कि हरियाणा के अंदर जल्दी PRT वैकेंसीज आनी चाहिए रेगुलर टीचर की। तो इसके बारे में जो खट्टर साहब थे उन्होंने पूरा उस पर ध्यान दिया और कहा कि हम जल्द ही इस विषय पर काम करेंगे और जल्द ही वैकेंसीज आ जाएंगी। जो राजेश पाल जी से बात हुई तो राजेश पाल जी ने बताया कि उन्होंने 9,000 टीचिंग पोस्ट की डिमांड रखी, 9,000 PRT वैकेंसीज की वहां पर डिमांड रखी। इसके बाद अभी खट्टर सरकार है जो इस पर काम कर रही है और उन्होंने भरोसा दिया है कि जनवरी या फरवरी में वैकेंसीज आ जाएंगी। तो ये अच्छी खबर है उन साथियों के लिए जो हरियाणा में टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में बहुत टाइम से टीचिंग वैकेंसीज नहीं आई हैं और काफ़ी ऐसे साथी हैं जिनका स्टेट जो उसकी वैलिडिटी होती है वो भी खत्म होने वाली है। राजेश जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने कहा हरियाणा के जो भी स्टेट पास साथी हैं उनके लिए एक संदेश दिया है कि साथियों, हमें मिलकर चलना है। अगर भविष्य में सरकार हमारी बात नहीं मानती है या कहीं बात से मुकरती है तो आप तैयार रहें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी मजबूती है। तो राजेश जी की जो ये बात है, दिल छूने वाली बात है और आप सभी साथी भी उनका सहयोग करें। राजेश जी का फेसबुक पर एक पेज भी है और आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्टेट पास साथी हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उस ग्रुप में राजेश पाल जी के जो फेसबुक पेज है उसकी सारी जानकारी या राजेश पाल जी का जो नंबर है वो सारी चीजें आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी। तो मैं सभी साथियों से एक बार कहना चाहता हूं कि जो साथी स्टेट पास है वो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और आपकी जो भी क्वेरीज है आप राजेश जी से बात करें। तो साथियों, आप सहयोग करें क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है, अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप उनका सहयोग जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि ऐसे राजेश जी जैसे लोग आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अपने हक के लिए भी लड़ने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं राजेश जी हैं जो, इनके जैसे लोग आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने के बाद। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ आप राजेश जी को जरूर सपोर्ट करेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।